गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है किशोरावस्था की समस्याएं। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे में कई परिवर्तन होते हैं। उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसके अलावा एक किशोर में अमूर्त चिंतन की योग्यता भी विकसित हो जाती है। किशोर अवस्था में एक बच्चे का सामाजिक और सांवेगिक विकास लगभग पूरी तरीके से हो जाता है। उसकी अपनी आइडेंटिटी विकसित हो जाती है, वो अपने घर से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ समय बिताना पसंद करता है, और किशोरों में इमोशंस में बहुत संतुलन नहीं होता। आज हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में इस वजह से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो किशोर अवस्था की है, वो है इग्नोरेंस अबाउट सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये वो समय है जब वय संधि के बाद बच्चे में तेजी से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही होती हैं, साथ ही साथ ग्रोथ के साथ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई देने लगती है। बच्चों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती, और आधी अधूरी जानकारी में उनके साथ होने वाले परिवर्तनों से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और यहाँ वहाँ जानकारी लेने के लिए पता करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार उनके भटकने की संभावना भी हो जाती है, और ये आधी जानकारी उनमें सांवेगिक तनाव उत्पन्न करती है जो फर्दर क्राइम की ओर उनको ले जा सकती है। दूसरी जो मुख्य समस्या है किशोरों में आती है, वो है पर्सनल अपीयरेंस की। किशोर अवस्था में एक लड़का या लड़की अचानक से ही अपने अपीयरेंस की ओर बहुत ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये कोशिश हर समय रहती है कि किस तरह वो अप टू डेट रहें, किस तरीके से वो फैशन के साथ चल सकें, और इसके लिए वो किसी भी प्रकार का प्रयत्न करने से पीछे नहीं हटते। एक चीज और, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके शरीर में अलग अलग परिवर्तन आ रहे हैं, और इसकी वजह से कई ऐसी समस्याएं वाकई दिखाई पड़ती हैं जिनके लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। जैसे शरीर पर अनचाहे बालों की समस्या या कम बाल होना, इसी तरीके से ओवरवेट या अंडरवेट होना, जिससे कई बार उन्हें अपने साथियों के मजाक का शिकार भी बनना पड़ता है। कई सारे किशोर अपने स्किन कलर से संतुष्ट नहीं होते। इसके अलावा स्किन पर होने वाली विभिन्न समस्याएं जैसे पिंपल्स, एलर्जीज वगैरह, जो उनके उनके हिसाब से उनकी सुंदरता को कम कर रही हैं, और इसके अलावा जो उनका शारीरिक विकास जो है वो सामान्य से कम या ज़्यादा होना। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो किशोरों में आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और बेसिकली ये उनके सेक्सुअल बिहेवियर से ही या सेक्सुअल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि ये ऐसी बात है जो वो सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, और इग्नोरेंस रहती है उन्हें बहुत सारी चीज़ों के प्रति, तो इसकी वजह से उनमें निरंतर मानसिक तनाव रहता है। ये समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है, ये शरीर में होने वाले परिवर्तन भी हो सकते हैं, लड़कियों में मासिक स्राव संबंधी समस्या भी हो सकती है, जननांगों का उपयुक्त विकास नहीं होना, या विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति असामान्य भावना जो उनकी है, या फर्दर मैरिजेबल एज में क्योंकि वो जा रहे हैं तो उससे संबंधित जानकारी का अभाव होना भी उनमें एक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। फिर एक चीज और आ जाती है कि किशोर जो हैं वो एक्सेसिव एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, उनकी मसल पावर, बोन पावर सब कुछ बढ़ चुका होता है, और इसकी वजह से यदि वो किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते तो उसका दुष्परिणाम एग्रेशन या लड़ाई झगड़े जिसे हम कह सकते हैं उसमें देखने में आता है।
नेक्स्ट, हाँ जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि वो एक्सेसिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो एग्रेसिवनेस देखने में आती है। और इसके अलावा क्या है कि इस समय हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो जो क्रोध के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका स्राव भी अधिक मात्रा में होने लगता है। और इस वजह से आप ये देखेंगे कि किशोर अवस्था में एक तो वैसे ही इमोशनल टर्मोइल की स्टेज है, इमोशनल कंट्रोल बच्चे का नहीं है, और वो यदि इस प्रकार से पहले उसमें उसमें शारीरिक क्षमता पहले से ज़्यादा है तो वो एक तरीके से लोडेड गन के समान हो जाता है जो कभी भी चल सकती है। और यदि उनकी शक्तियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है या वो एग्रेशन सही शो नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार ये एग्रेशन अपनी तरफ रूटेड हो जाता है, सेल्फ रूटेड हो जाता है और अपने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वो समाज से विड्रॉल कर जाते हैं और एक तरीके से अपने आप में ही सिमट के रह जाते हैं, ये चीज़ भी एबनॉर्मल है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, रिबेलियस एटीट्यूड। रिबेलियस एटीट्यूड का मतलब है विद्रोहात्मक अभिवृत्ति। एक्चुअली ये वो स्टेज है जब बच्चा इंडिपेंडेंस चाहता है, एक स्वायत्तता चाहता है और वो अभी खुद की आइडेंटिटी में उलझा हुआ होता है। उसे ना तो छोटे बच्चे एक्सेप्ट करते ना बड़े लोग अपने में उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी सबसे पहली बात तो कि उसको क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनमें एक उनमें की भावना होती है कि मैं सुप्रीम हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ, और जो कई बार समाज के नियमों के अनुसार नहीं होता। अब यदि समाज में उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता तो उसका परिणाम रिबेल के रूप में देखने में आता है, विद्रोह के रूप में देखने में आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों पे विश्वास किया जाए और उनको किसी ना किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तब उनका वो रिबेलियस एटीट्यूड कुछ हद तक हम शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग मतलब बहुत ज़्यादा दिवा स्वप्न देखना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि फर्दर अब ये स्टेज पे बच्चे को अपने फ्यूचर के लिए गोल निर्धारित करने हैं, अपना उद्देश्य उसके सामने स्पष्ट होना चाहिए। और यदि वो डे ड्रीमिंग करता रह जाता है, अपनी जो क्षमता है उसको ओवर एस्टिमेट करता है, तो वो फर्दर उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अब क्योंकि यही टाइम है जब पेरेंट्स की जो अथॉरिटी है उससे उसे स्वतंत्रता मिलने लगती है, तो वो जैसे कहना चाहिए अपने को राजा समझने लगते हैं और अपने को सुप्रीम समझने लगते हैं कि अब मैं अपनी अपना अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। ये भावना जब उनमें आ जाती है तो वो पेरेंटल कंट्रोल से भी बाहर होने लग जाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि अभी उनके सामने कोई गोल स्पष्ट नहीं है तो ये जो चीज़ें हैं उसको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। नेक्स्ट चीज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने दोस्तों में खर्च करने की टेंडेंसी या शो ऑफ करने की टेंडेंसी बहुत सामान्य सी बात है, और यदि पेरेंट्स तो लिमिटेड खर्चा ही देंगे और वो यदि नहीं देते तो बच्चे के लिए ये एक बड़ी ट्रबल का कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ एक ये होती है कि अब उसे अपने एक्सपेंसेस के लिए बच्चा कई बार सोचता है कि मुझे अपने लिए खुद करना चाहिए, या दूसरा वजह ये हो सकती है कि अब उन्हें अपना फ्यूचर अर्निंग के लिए कोई रास्ता देखना है, तो वो वाली ओरिएंटेशन भी कई बार जो जिसे हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कह रहे हैं ये बच्चे के लिए स्ट्रेस की वजह हो सकती है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इमोशनल टेंशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि ये जो एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, इस समय बच्चे का अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे में सारे इमोशंस डेवलप हो चुके हैं और इनस्टेबल हैं, अभी उसका उन पर कंट्रोल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, बच्चा अपने दूसरों से ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देने लग जाता है, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो ऐसा सोचता है कि जैसा मैं चाहता हूँ चीज़ें उसी ढंग से होनी चाहिए, और हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा क्या अक्सर ऐसा नहीं होता, और इसकी वजह से उसे फेलियर की फीलिंग आती है, वो डिस्टर्ब होता है, उसे खराब लगता है, और धीरे धीरे ये स्ट्रेस जो है लंबे समय चलने वाली यदि हो जाती है तो बच्चे में डिस्ट्रक्टिव नेचर डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। इस समय बहुत जरूरी है कि बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाए या उनकी उनकी बातों को समझा जाए। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये कुछ कुछ पॉइंट्स इसके रिपीट हो चुके हैं, कुछ क्या मुझे ऐसा लग रहा है एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। गिल्ट अबाउट सेक्स रिलेटेड इशू, यदि कुछ उसने गलत बात करी है या उसके हिसाब से सही गलत जो भी है। फिर कॉम्प्लेक्स अबाउट स्किन कलर एबिलिटीज एंड ब्यूटी, दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाता है। फिर इनएक्सप्लिकेबल कंसेप्शन अबाउट ड्रेस एंड फैशन कोड्स, उसे लगता है कि मेरे पास भी ठीक है, हम इसे स्किप करते हैं, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सोशल प्रॉब्लम्स पर। सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल रिलेशंस इस समय बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चा अपने पेरेंट्स की अथॉरिटी से बाहर निकल रहा है, वो अपने पेरेंट्स की बजाय अपने भाई बहनों और भाई बहनों से ज़्यादा अटैच महसूस करता है, और फ्रेंड्स के साथ तो उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। किशोर अवस्था में बच्चे अपने फ्रेंड्स को सब कुछ मानते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो सोशल प्रॉब्लम बच्चों में आती है वो है अनरियलिस्टिक सोशल परसेप्शन अबाउट वायलेंस सेक्स लव एज इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। कहना चाहिए बच्चे ख्याली दुनिया में रहते हैं हर तरीके से, वो जिस तरीके की मूवीज़ देखते हैं उस चीज़ की, या जिस तरीके के प्रोग्राम्स देखते हैं उस चीज़ को रियलिटी समझते हैं, और उसी तरीके की दुनिया में वो जीने लगते हैं। और यही वो टाइम है, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो चुका है, बल्कि हमारे इंडिया में कई जगह पर इस एज में किशोर अवस्था में वय संधि के बाद बच्चों को विवाह योग्य भी मान लिया जाता है, चाइल्ड मैरिजेस भी होती हैं, यंग मैरिजेस भी होती हैं। तो इसी समय बच्चे में वैवाहिक जीवन के बारे में इमेजिनेशन या डर भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एजुकेशनल प्रॉब्लम। यस, ये जो पीरियड, जैसा कि हम मोटे तौर पर मान रहे हैं किशोर अवस्था 13 से 19 साल की आयु को हम कह सकते हैं, और ये वो टाइम है जब बच्चे के लिए एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है या आपकी जो रोजगार है उसके लिए बच्चे को प्रिपेयर होना है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ये तो है ही, अब इसके अलावा ये क्लास में रेगुलर रहना, क्लासेस, एग्जामिनेशन, टेस्ट, कंपटीशन, और दूसरे की तुलना में लगना कि मेरी आईक्यू कम है, या यदि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे नंबर कम आएंगे, ये सारी चीज़ें बच्चे में एंग्जाइटी उत्पन्न करती है। आप देखेंगे जैसे कोटा का एग्जांपल है, वहाँ पर सुसाइड केसेस बहुत होते हैं। कौन है ये? यही बच्चे हैं, किशोर आयु के बच्चे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक मैटर ऑफ लाइफ बना लेते हैं, और उनमें निरंतर तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सुसाइड जैसा अटैम्प्ट भी कर लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस क्यों करनी पड़ती है। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि कई प्रॉब्लम्स इस आयु में बच्चे को फेस करनी पड़ती है,
इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहली जो वजह है हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, क्योंकि वो किशोरावस्था की आयु के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं दे पाते, या तो मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन। ये वो समय है जबकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही हैं और इस विषय को एटलीस्ट इंडिया में टैबू माना जाता है। अब धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन का प्रचार हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन बच्चों के पास रहती है, जिसकी वजह से उनमें इग्नोरेंस रह जाती है। दूसरी चीज आ जाती है इग्नोरेंस ऑफ एल्डर्स। बताएगा तो वही जिसे पता होगा। बच्चा जब किसी से पूछने जाता है और उसे नहीं पता तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक रह जाता है। इसी तरीके से ये हाफ इन्फॉर्म्ड और इल इन्फॉर्म्ड फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, गलत जानकारी उपलब्ध होना भाइयों, भाई बहनों से या दोस्तों से, ये भी बच्चे को, जो किशोर है उसके लिए हानिकारक होती है। और इसके अलावा जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि किशोर जो है ख्याली दुनिया में रहते हैं, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स वगैरह से बहुत प्रभावित होते हैं। अब वो जो टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स में देख रहे हैं उसको रियलिटी समझ लेते हैं, उसमें जो भी बात डिपिक्ट हुई हुई है वो उसको वो सच मान लेते हैं। तो ये जो उनकी जो कल्पना की जो दुनिया है वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, और जब रियलिटी के ग्राउंड पर आते हैं तो वो उन्हें धोखा लगता है, फिर उन्हें उससे एडजस्ट नहीं कर पाते। और इसके अलावा एक चीज और, जैसे आजकल तो बच्चे गूगल पे बहुत, हमारे पास फोन पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन सही भी नहीं होती, एक्यूरेट भी नहीं होती, उसको फैंसी फॉर्म में दिया गया होता है। तो जो भी पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो आपके इंटरनेट पर हैं या आपके बुक्स में हैं, जिसमें आधी अधूरी या पूरी तरीके से झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में जगह बनाती है और एक किशोर को मिसलीड करती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं हमारे किशोरों में देखने में आती है। तो यहाँ पर फिर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। Thank you.